छत्तीसगढ़ के बलरामपुर के बुढ़ावाड़ी में स्थित पवई फॉल में डूबे युवक का शव बरामद कर लिया गया है। पुलिस प्रशासन एवं गोताखोर की मदद से तीसरे दिन शव को बरामद किया गया है। आपको बता दें कि एक दिन दो रात के बाद पानी में तैरता हुआ सागरपुर के रहने वाले युवक का शव मिला है। बता दें कि युवक अपने चार दोस्तों के साथ पवई फॉल में पिकनिक मनाने गया था। इस दौरान झरने के ऊपर नहाते समय उसका पैर फिसल गया था और वह झरने में डूब गया। पुलिस प्रशासन सूचना मिलते ही अपने अमले के साथ वहां पहुंचा था, लेकिन रात हो जाने के कारण युवक का कोई सुराग नहीं लग पाया। सुबह के समय गोताखोरों एवं पुलिस के द्वारा युवक का शव बरामद किया गया। बलरामपुर से संवाददाता अजय कुशवाहा की रिपोर्ट। दिनांक 13-10 की बात है, जो गणेश मोड़ के पांच बच्चे जिसमें एक आयुष दे है, वो अपने अन्य चार साथियों के साथ बलरामपुर जाने के लिए परिजनों को बताया था और ये लोग पवई वाटरफॉल चले गए थे। और सायंकाल जो है उनके दोस्त लोगों ने देखा कि उसके कपड़े बाहर हैं, तो वो आयुष दिखाई नहीं दे रहे, जिसकी उम्र 17 वर्ष है। इसकी सूचना पुलिस को मिलने पर तत्काल जो है पुलिस थाना बलरामपुर की टीम भेजी गई, साथ ही जो होमगार्ड के जो गोताखोर वगैरह हैं वो अपने संसाधन का गए थे। दिनांक 13 से जो उनकी खोज प्रारंभ हुई थी, आज प्रातः जो है हमारी टीम को जो आयुष डे है उसका शव अपना पवई वाटरफॉल में मिला है, जिसमें मर्ग कायम करके जो है पंचनामा कार्रवाई तथा जो है पीएम कराया जा रहा है। 363 भी कायम किया गया था, जो कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के अनुसार गुम जो बच्चा है नाबालिग उसमें अपराध कायम किया जाता है, तो वो विधिवत कार्रवाई जो है 13 तारीख से की जा रही थी। और जो है बच्चा चूँकि उसकी डेड बॉडी मिली है, तो उसमें मर्ग कायम करके पंचनामा और पीएम कार्रवाई की जा रही है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।